नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के प्रसारण में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इक्थायोसिस नाम की बीमारी के बारे में। जी हाँ, इक्थायोसिस एक अनकॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, लेकिन यह इतना अनकॉमन भी नहीं है। काफ़ी लोगों में यह पाया जाता है, काफ़ी मरीज क्लिनिक पे हमारे आते हैं और हम इस बीमारी को उनको देखते हैं। इक्थायोसिस की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले साथियों, जान लेते हैं इक्थायोसिस होता क्या है। इक्थायोसिस साथियों स्किन का एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें जो आउटर स्किन एरिया का स्केल्स होता है या डेड स्केल्स होता है, यह ब्राउन कलर के में यह बन जाता है और एक डर्टी सा लुक देता है। साथियों, इक्थायोसिस कई तरह का होता है, लेकिन सबसे कॉमन इक्थायोसिस वल्गेरिस होता है। इसके कॉजेस साथियों, यह एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर स्किन डिसऑर्डर है, जैसा कि हमने कहा, जो कि आपको अपने मदर फादर या दोनों से होता है। यह चाइल्डहुड में आपको प्रोजेक्ट करने लगता है, बेबी बॉर्न होने के कुछ वक्त बाद आ जाता है। अगर यह मदर के आपके यह दिक्कत होती है तो चाइल्ड में थोड़ा शो करता है, अगर मदर फादर दोनों के यह दिक्कत होती है तो चाइल्ड में ज़्यादा शो करता है। फिर साथियों, इसके सिम्टम के बारे में आ जाते हैं। साथियों, इसका सिम्टम जो है वह यह है कि आपका स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है और इसमें फिश लाइक स्केल्स आ जाते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, इची होते हैं, क्रैक्स आते हैं, रफ होते हैं। तो यह इसके सिम्टम होते हैं साथियों। उसके बाद साथियों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, इसकी कारगर होम्योपैथिक दवाएं। होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों, हम आपको जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, आपको ये बता दें कि ये आपके एजुकेशन के पर्पस के लिए दवाएं हैं। इसको आप बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, कुशल चिकित्सक की सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, क्योंकि दवाएं हर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। हो सकता है जो दवा मैं बता रहा हूं, आपकी दवाएं सिम्टम के हिसाब से इससे भिन्न हो। साथियों, आते हम लोग इसकी कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। सबसे कारगर दवा साथियों इक्थायोसिस वल्गेरिस की है, आरथायोड। अगर आपके ब्राउन पिगमेंटेशन हो रहा है, स्किन में पिगमेंटेशन आ रहा है स्केल लाइक, और जब इसके फ्लेक्स निकलते हैं तो इसके पीछे रॉ स्किन आपको दिखती है, रेड कलर की रॉ स्किन दिखती है, तो आपकी दवा समझ लीजिए आरथायोड है। आप आरथायोड 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो आपका जो ब्राउन पिगमेंटेशन पैची लाइक स्केल लाइक पूरे स्किन में हुआ है, खासतौर से यहाँ पैरों में होता है, तो यह इससे आरथायोड के इस्तेमाल से चला जाएगा। दूसरी दवा साथियों इक्थायोसिस वल्गेरिस की है, हाइड्रोक्रोटाइल। अगर आपकी स्किन की एपिडर्मिस यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है, यह थिक हो गई है, बहुत मोटी हो गई और इसमें स्केल पड़ रहे हैं और बहुत इचिंग हो रही है, तो साथियों आपकी दवा है हाइड्रोक्रोटाइल एसाइटिका। इसको आप 6x पावर में 2 टैबलेट दिन में 3 बार यदि लेंगे, तो आपकी जो थिक एपिडर्मिस हो गई है और उस पर इक्थायोसिस डेवलप हो गया, इचिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको यह दवा बहुत फ़ायदा करेगी। एक हाइड्रोक्रोटाइल का एक सिम्टम और है साथियों, यह आपके पैर में बहुत इंटेंस इचिंग और सर्कुलर एलर्जी के रूप में काज होता है, सर्कुलर आपको इसका जो है मैनिफेस्टेशन दिखता है। तीसरी दवा साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर इक्थायोसिस वल्गेरिस की है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बहुत रफ हो गई है और इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर से यह विंटर्स में आपका डिजीज़ एग्रावेट हो रहा है। अगर यह स्थिति साथियों बनती है तो इसकी दवा पेट्रोलियम है। आप पेट्रोलियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका इक्थायोसिस जो कि क्रैक्स और रफ स्किन और इची स्किन के साथ हो रहा है वह चला जाएगा। चौथी दवा साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर इक्थायोसिस की है, सीपिया। सीपिया साथियों उस स्थिति की दवा है कि जब आपको स्किन में आपके फ्लेक्स निकल रहे हों और फ्लैक्स के पीछे बदबूदार लिक्विड का इफ्यूजन हो रहा हो, बदबूदार ओडर का, बैड ओडर का जो है आपका चिपचिपा लिक्विड निकल रहा हो, यदि यह स्थिति साथियों आप में बनती है तो आपकी दवा सीपिया है। सीपिया सक्कस 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सीपिया का एक और ख़ास बात है साथियों कि इसके पेशेंट का वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, उसको रोना बहुत जल्दी आता है, अपनी बात बिना रोए नहीं बता पाता, तो अगर यह सिम्टम आप में पाया जाता है तो सीपिया 30 निश्चित रूप से आपके कारगर दवा है, इसको आप लेके इक्थायोसिस वल्गेरिस में फ़ायदा पा सकते हैं। उसके बाद साथियों एक दवा आती है, जब एक स्थिति आती है जब बच्चों के
छोटे बच्चों का जो है स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। स्किन जब वाइट हो जाती है और उसके 7-8 महीने बाद उसमें ब्राउन पिगमेंटेशन दिखने लगता है, अगर यह कंडीशन साथियों आपकी आती है तो इसकी दवा बहुत कारगर होम्योपैथी में है नेट्रमकार। नेट्रमकार 32 बूंद आप बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं। इससे आपका जो यह स्थिति है पैचेस वाली, जिसमें कि स्किन शुरू में वाइट रही होगी बच्चे की, उस स्थिति में यह बहुत कारगर दवा है और आपको यह ठीक कर देती है। फिर साथियों एक और स्थिति आपके स्किन की आती है जब आपका स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसमें बहुत इंटेंस इचिंग है और ठंडे पानी के कॉन्टैक्ट में आने से तकलीफ पड़ती है। अगर साथियों यह स्थिति आपकी आ रही है तो इसकी निश्चित रूप से बहुत कारगर दवा है क्लिमेटिस इरेक्टा। आप क्लिमेटिस इरेक्टा 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपकी इंटेंस इचिंग हो स्किन में, वह ड्राई हो गई हो और कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से उसमें तकलीफ पड़ती हो। इस स्थिति में आप नेट्रम का आप जो है इस दवा को लेके लाभ पा सकते हैं जिसका नाम है क्लिमेटिस इरेक्टा। फिर साथियों एक स्थिति और आती है जब आपके कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हो जाती है। आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि जो है आपके ये इसके कारण इक्थायसिस वल्गरिस के कारण कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हो गई है। अगर कॉर्नियल डिस्ट्रोफी की स्थिति साथियों बने तो इसकी बहुत अच्छी कारगर दवा है जिंकमेट। आप जिंकमेट 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपकी इक्थायसिस वल्गरिस के कारण होने वाली कॉर्नियल डिस्ट्रोफी ठीक हो जाएगी। साथियों ये कुछ दवाएं थी जो हमने आपको जानकारी दी। मैं फिर कह दूं यह जानकारी मात्र के लिए है, दवा बिना कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, कोई क्वेरी हो, या आप अपनी दिक्कत के बारे में कुछ लिखना चाहें तो आप नीचे YouTube पैनल में YouTube के उस पर आप अपना जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको संतोषजनक जवाब देने में। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर साथियों आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दें। हमारे निरंतर आने वाले वीडियो को आप जानकारी सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। इसी के साथ साथियों आपका साथ देने के लिए, पूरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।